हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है कमलेश यादव और मेरा दोस्त है सुधीर, जिसको तो आप जानते ही होंगे। आपका यो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSV राव व्लॉग्स पे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी यूनिक जगह जा रहे हैं। सुधीर कहाँ जा रहे हैं? अपन जा रहे हैं पांडुपोल। दोस्तों, पांडुपोल जा रहे हैं, जहाँ पांडवों ने वनवास किया था, और हम वहाँ की स्टोरी भी बताएंगे। एक फेमस हनुमान जी का मंदिर भी है वहाँ पे। तो चलिए, रास्ते में चल चलते आपको स्टोरी भी बताएंगे कि हनुमान जी और भीम के सब बीच में वहाँ पे क्या बातें हुई थी, कैसे वो फेमस है, इतनी जगह है वहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर है जहाँ लाखों लोग आते हैं दिन के, तो आपको वहीं चल के बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा मिलते हैं चल के रास्ते में, आपको स्टोरी बताएंगे वहाँ की, क्या थी क्या नहीं थी। सुधीर बताएगा, सुधीर को बताया वहाँ की पूरी स्टोरी। चलिए मिलते हैं दोस्तों आगे रास्ते में, आपको बताएंगे पूरी स्टोरी। तो गाइज, अभी हमने फाइनली एंट्री कर ली है मेन गेट से सरिस्का में, और राष्ट्रीय पक्षी दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं एक बात बताने देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने साधन से आ रहे हैं पांडुपोल घूमने, तो आप मंगलवार और शनिवार को ही आइए, क्योंकि मंगलवार शनिवार को एंट्री है। बाकी अदरवाइज अदर डे में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जिप्सी है और उसका चार्ज अलग से लिया जाता है, जिसका चार्ज समथिंग 6,000 के आसपास होता है। तो देखिए दोस्तों, नज़ारे कितने अच्छे हैं। अगर आप आएँ तो मंगलवार और शनिवार को ही आएँ। और फाइनली अब हम पहुँचे हैं पांडुपोल जी के, हनुमान जी के मंदिर पे। और देखिए, आपको सामने दिख रहा है मंदिर में हम पहुँच चुके हैं, और इससे ऊपर है पोल। तो सबसे पहले हम मिल जाएंगे पोल में, क्योंकि लेट हो रहे हैं, और फिर आके हनुमान जी के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर, जो आपने अभी देखा था, मंदिर के आके दर्शन करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं पांडुपोल मतलब पोल पे, जहाँ पे भीम जी ने और पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान समय काटा था, और पानी के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ क्रॉस करने के लिए उन्होंने गदा मारी थी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। अरे सुधीर देखो, कर रहा है वीडियोग्राफी, ये एक्सपर्ट है वीडियोग्राफी करने में, बट इसको कुछ नहीं पता, ऐसे ही बनाता है ये। मच्छर बहुत उड़ रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम अभी ऊपर और आपको दिखाते हैं पोल। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं पोल की तरफ ऊपर, और आपको भी दिखाएंगे कि पोल कैसा है। ये सुधीर है ना, ये आ रहा है। तो दोस्तों, थोड़ी बहुत ज़्यादा स्टोरी का तो हमें नहीं पता, बट थोड़ा थोड़ा कुछ पता है, तो हम आपको बता देते हैं कि जब पांडव यहाँ पे अज्ञातवास में जब समय अपना काट रहे थे ना, तो उस टाइम पे ऐसे बोलते हैं लोग कि भीम को अपनी शक्ति पे थोड़ा बहुत घमंड हो गया था। तो उस टाइम पे वो मंदिर, और मैं पीछे आपको मंदिर दिखा देता हूँ, ये मंदिर भी आपको दिख रहा होगा, तो हनुमान जी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे भीम को थोड़ा सा इस पर लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो मैं आपको स्टोरी बता रहा था दोस्तों, कि उस टाइम पे थोड़ा सा भीम जब घमंड हुआ, ये देखिए पीछे लिखा भी हुआ है भीम द्वार स्थापित प्राचीन मंदिर, यहाँ पे जंगली जानवरों का थोड़ा सा वो होता है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था उस टाइम पे भीम को थोड़ा सा घमंड हो गया था, तो हनुमान जी ने एक बूढ़े बंदर का रोल करके और बैठ गए थे रास्ते में। जब भीम जा रहा था उस टाइम पे भीम को बोला, भीम ने कहा कि वो साइड में हट जाओ आप, तो हनुमान जी ने बोला कि है ना, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी वो नहीं है अभी इतनी इच्छा कि मैं साइड में हट सकूँ, तो आप ही हटा दीजिए। तो उस टाइम पे भीम ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी और वो उस बंदर को नहीं हटा सके थे। तब भीम ने वहाँ जाके हनुमान जी से क्षमा मांगी, और तब हनुमान जी प्रकट हुए थे। और ये स्टोरी है यहाँ की। तो यहाँ पे एक फेमस हनुमान जी का मंदिर भी है। मोटा मोटा स्टोरी जो पता था वो मैंने आपको बता दी, और ऊपर जाके जहाँ पे पांडव रहते थे, जो पोल है वो है, वो सारी चीज़ें अभी हम आपको दिखाएंगे। बट आप एक बार व्यूज देख, नज़ारे देख लीजिए पीछे के, ये मानो जैसे हम केरल आ गए हों। और चलते हैं अभी दोस्तों ऊपर, सुधीर पीछे मच्छर बोते हैं, सुधीर पीछे रील्स बना रहा है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, और चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो गाइज देखिए, कैसे जटिल जटिल रास्तों से जाना पड़ता है पोल तक, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, एक छोटा सा पगडंडी है जिस पे से हम जा रहे हैं। बट क्या ही बताएं दोस्तों, जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है यहाँ पे। अरे थोड़ा सा नीचे देख देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि पत्थर ही पत्थर हैं, कोई रास्ता नहीं है, एक छोटी सी गली है। और अभी हम लेट हो गए थे, तो आई थिंक सभी लोग नीचे जा चुके होंगे, बस हम भी बच रहे हैं जो भी जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं सीधा ऊपर पोल पे जाके ही। तो गाइज ये देखिए, जहाँ जहाँ तक कैमरा जा रहा है वहाँ वहाँ तक पहाड़ है, साइड में पानी भरा हुआ है, और सुधीर जा रहा है वीडियो बनाता हुआ। तो बहुत केयरफुली चढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ये सीढ़ियाँ बहुत पुरानी हैं। तो ये देखिए आप, देखिए
जहाँ तक कैमरे में आ रहा है ना वहाँ वहाँ तक पहाड़ ही पहाड़ है और हम चढ़ रहे हैं ऊपर। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर दिया करो, वीडियो पे कमेंट कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दिखा दे। फाइनली देखिए दोस्तों, ये है वो गुफा जहाँ पे भीम ने गदा मारी थी और पहाड़ के दो कर दिए थे। तो अभी यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, नहीं बारिश के दिनों में पानी भी आता है। ये देखिए दोस्तों कितना कितनी शक्ति रही होगी भीम में, इतना चौड़ा पहाड़ काट दिया था। ऊपर से देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी गिर जाएगा पहाड़, बट ये बहुत हज़ारों सालों से ऐसे ही है, तो गिरेगा नहीं। बाकी सुधीर उधर रील बना रहा है, मैं आपको एक बार साइड से दिखा देता हूँ। और ये देखिए नज़ारे, मन कर रहा है यहीं बैठ जाएं और कुछ ही ना करें, बस बैठ जाएं। तो मैं थोड़ा सा ऊपर और लेके चलता हूँ आपको, इससे आगे सीढ़ियाँ तो टूटी हुई हैं, अपने को ही जाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा नहीं तो गिर जाएंगे, गिरे तो काम तमाम पे। और हाँ दोस्तों, हमें रास्ते में शेर तो नहीं दिखा बट उसकी आवाज़ें ज़रूर आ रही थी। ये सुधीर डर गया, नहीं तो मैं आपको शेर दिखाई देता। ये बगाला है वहाँ से बाइक को, नहीं तो हम रुक के वहाँ देखते। तो ये देखिए दोस्तों, ये वही है जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ। तो ये है वो दोस्तों गुफा जहाँ से भीम ने वो मारा था। अब हम चलते हैं सीधा नीचे हनुमान जी के मंदिर में, आपको हनुमान जी का मंदिर दिखाते हैं एक बार और, देख ली इसकी ऊंचाई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सीधा मिलते हैं हनुमान जी के मंदिर में। धागे ले लेना पंडित जी, धागे ब्लैक वाले धागे। हेलो गाइज, तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। कमेंट करके हमें ये बताएं कि कैसा लगा हमारी यहाँ का व्यू नज़ारे और मंदिर कैसा लगा दोस्तों। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी। आगे आगे हम बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवल्स व्लॉग बनाए देंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार और एक लास्ट नज़ारा देख लीजिए पीछे से, जाने का मन ही नहीं कर रहा इसको छोड़ के। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।